फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च मटन कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मटन कीमा। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, 1 टमाटर, 15 हरी मिर्च जो कि मेरी बहुत तीखी नहीं है, अगर आपकी तीखी हो तो आप कम भी कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। यहाँ पर कुछ मसाले भी लिए हैं, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2-3 तेज पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग, 15-16 काले मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुकर में अपना कीमा डालेंगे, प्याज डालेंगे, यहां पर हम अपने मसाले भी डाल देंगे। ये खड़े मसाले भी डालेंगे, चार टेबलस्पून तेल डालेंगे, वन कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कुकर को ढककर 5 विसल आने तक अच्छे से कुक करेंगे। देखिए हमारी 5 विसल आ चुकी हैं। कीमा ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। अब हम अपने वेजीज जो हमने कट कर रखे थे इसमें डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू भी डाल देंगे। अब हमें कुकर को कवर नहीं करना है और 5 मिनट के लिए इन्हें इसी तरीके से कुक करना है। पांच मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके अब हम कुकर को कवर कर देंगे और 2 विसल आने तक और कुक करेंगे। हमारी 2 विसल आ चुकी है, हमारा आलू कीमा रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा हरी मिर्च आलू कीमा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाज़नीन का किचन। सी यू विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। बाय बाय।